आज हम लोग पढ़ेंगे सीआरसी। क्या पढ़ेंगे? सीआरसी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा सीआरसी वाला प्रॉब्लम। अगर आप लोग को आता है, गेट में आता है, इग्नू में आता है, किसी भी एग्जामिनेशन में आता है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। तो सीआरसी का जो फुल फॉर्म होता है साइक्लिक, CYCLIC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, किसका? सीआरसी का। ठीक है, तो सीआरसी दो, हम लोग सीआरसी का यूज़ क्यों करते हैं? नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। सपोज कोई मैसेज हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया सेंडर साइड से रिसीवर साइड की ओर। ठीक है, सेंडर साइड से रिसीवर साइड की ओर, तो सेंडर साइड से रिसीवर साइड तक मैसेज सही से पहुँचा क्या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग सीआरसी का यूज़ करते हैं। तो आप लोग को जब भी सीआरसी का न्यूमेरिकल दिया जाएगा, एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को एक वैल्यू दिया रहेगा, सॉरी, उस वैल्यू को क्या कहते हैं? एमएक्स कहते हैं। वो होगा डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होगा वो? डिग्री पॉलिनोमियल। या तो वो इस फॉर्म में रहेगा, सपोज एक्स टू पावर सेवन प्लस एक्स के पावर फोर प्लस एक्स के पावर थ्री प्लस एक्स के पावर वन, सपोज इस फॉर्म में रहेगा, या सपोज आपको सिंपल वो बाइनरी के फॉर्म में रहेगा 1001101010। ठीक है, अब मैं बताऊंगा अगर इस फॉर्म में रहेगा तो आप इसको बाइनरी के फॉर्म में पहले कैसे मतलब कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस एक्स के पावर सिक्स सॉरी एक्स के पावर फाइव एक्स के पावर फोर एक्स के पावर थ्री प्लस एक्स के पावर टू प्लस एक्स के पावर वन प्लस एक्स के पावर जीरो, इतना आप लोग पहले लिख लो। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा वैल्यू आपको, एक्स के पावर सेवन है, ठीक है, यहाँ पे वन लिखो, एक्स के पावर फोर है तो यहाँ पे भी वन लिखो, एक्स के पावर थ्री है तो यहाँ भी वन लिखो, एक्स के पावर वन है तो यहाँ पे पावर वन लिखो, और बाकी जगह आप जीरो लगा दो। क्या लगा दो? आप जीरो लगा दो, तो आ गया ना सेम वैल्यू। आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम एक्स, इसको कहते हैं हम लोग डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डिग्री पॉलिनोमियल। मैं लिख भी देता हूँ, डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री पॉलिनोमियल आप लोग को दिया रहेगा, और दूसरा आपको दिया रहेगा डिवीजर पॉलिनोमियल, जिसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में जीके भी करते हैं, ये होगा आपका डिवीजर पॉलिनोमियल, पी आई बी आई एस ओ आर डिवीजर पॉलिनोमियल। जी, डिवीजर पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? जीके कहते हैं। डिवीजर पॉलिनोमियल भी आपका इस फॉर्म में कभी कभी रहेगा, या इस फॉर्म में रहेगा, या इस वाले फॉर्म में रहेगा। मैं आप लोग को बताता हूँ, एक्स के पावर थ्री एक्स के पावर टू एक्स के पावर वन, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, डिवीजर आप लोग को मिल गया, तो इसे हम लोग सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, एक्स के पावर थ्री एक्स के पावर टू एक्स के पावर वन प्लस एक्स के पावर जीरो, ऐसा लिखना होता है। कहाँ कहाँ पे वन है, कहाँ कहाँ पे आपको पुट करना होगा, सॉरी यहाँ पे आप वन पुट करो, यहाँ पे वन पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे वन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया? डिवीजर पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो आपको सिंपल सा मिल गया है, आपको डिवीजर मिल गया है, इस वाले नंबर में आप इससे डिवाइड करोगे। ठीक है, सिंपली अब कैसे करना है डिवाइड, और किस 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 फंडे का यूज़ करना है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सा लिखो आप पहले, वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो, ये वाला नंबर है आप देख सकते हो। ठीक है, इसे हमको डिवाइड करना है, कुछ फंडा का भी यूज़ करना है, क्या किस फंडे का यूज़ करना है मैं बता दूंगा आपको। वन 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 जीरो वन से आपको डिवाइड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे चार नंबर है, ठीक है, चार नंबर है, तो यहाँ पे आपको तीन शून्य ऐड करना है, तीन जीरो ऐड करना है। ठीक है, क्यों ऐड करना है? क्योंकि एक्स के पावर थ्री है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? तीन है, तो यहाँ पे थ्री जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
ठीक है, सिंपली तीन तीन जीरो को आप ऐड कर लो। अब डिवाइड करना है आप लोग को, क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड जब भी स्टार्ट करोगे वंस के आगे से ही स्टार्ट करोगे। सब कुछ ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को यहाँ पे आप पुट करो 1101, ठीक है, इस नंबर को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। एक्स और वाला फंडा को यहाँ पे यूज़ करना है। वन वन क्या हो, एक्स वन में क्या होता है, जो सिमिलर होते हैं वो जीरो हो जाता है। वन वन क्या हो गया, जीरो, ये जीरो तो जीरो हो गया, ये 101 हो गया, इस वाला ये वाला कट जाएगा आपका, ये होगा जीरो, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिवाइड जो हम करेंगे वन से स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग, इसे हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ये ख़त्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये वन आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, ये वन आपका नीचे आ जाएगा। फिर डिवाइड करते हैं 1101, ठीक है, ये भी आपका जीरो हो गया, ये भी आपका जीरो हो गया, ये आपका वन हो गया, ये आपका जीरो हो गया और कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, फिर वाला जीरो बचा, ठीक है। अब जीरो को नीचे लाते हैं, ठीक, 1101, जीरो वन में एक्सोर में क्या होता है, वन हो जाता है, ये जीरो, ये आपका वन, ये आपका जीरो होके कट गया, ठीक है। अब फिर क्या नीचे आएगा, आपका वन नीचे आ जाएगा, ठीक है, वन नीचे आ गया। फिर 1101, वन वन क्या हो गया, जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया वन, ये हो गया जीरो, जीरो आपका कट गया। फिर क्या नीचे आएगा, जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर 1101, वन वन क्या हो, वन जीरो वन क्या हो गया, वन, ये तो आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया, तो तीनों जीरो है, तीनों जीरो को हम क्रॉस कर देते हैं तो वन बचेगा और तीन जीरो बचता है। तीनों जीरो को हम लोग नीचे कर देंगे क्योंकि हमारा जो नंबर है वो चार नंबर का है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हो गया 1101, वन जीरो वन, ये हो गया, कट गया आपका जीरो होके। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, रिमाइंडर बचा है आपका 101, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचा है 101 और लास्ट में क्या है, जीरो, जो हम लोगों ने कट कर दिया है, इस 101 को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, इस वाले नंबर में हम ऐड कर देते हैं 101 और यहाँ पे भी जीरो कर दो। चार नंबर को मैनली ऐड किया जाता है, जो ऐड होगा 101 होगा, 101 होगा, 101 होगा, ठीक है। हमेशा तो हम लोग ऐड करते हैं पीछे से ऐड करेंगे, पीछे से ऐड करेंगे और चार नंबर तक ऐड करते हैं, क्योंकि ये चौथा नंबर पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो को आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ऐड करके दिखाता हूँ, जो भी नंबर ऐड होगा, ऐड करने के बाद डिवाइडर रिसीवर क्या करता है, फिर उसे डिवाइड करेगा, तो नया नंबर जो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 1001 उसके बाद 0101, ठीक है, ये आपका नया नंबर हो गया। अब नए नंबर को मैं हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, 1101 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि रिमाइंडर जीरो आता है क्या नहीं। रिमाइंडर जीरो आएगा तो नंबर आप तो एरर नहीं है, ठीक है। 1101, ठीक है, 11 क्या हो गया, जीरो, ये भी हो गया आपका जीरो का जीरो, वन, ये आपका जीरो के क्रॉस हो गया, ठीक है। अब क्या बचेगा, वन आपका नीचे में फिर से आ जाएगा, ठीक है, 1101, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये आपका क्रॉस होके कट जाएगा, फिर आपका जीरो नीचे आएगा, 1101, ये हो गया आपका वन, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया जीरो होके कट जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले जीरो को हम लोग नहीं लेते, वन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। फिर आपका ये वन आपका नीचे आ जाएगा, तो 1101, ये भी आपका 11 क्या हो गया, जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया वन, ये हो गया जीरो, फिर आपका ये वाला जीरो नीचे आएगा, ठीक है,
जीरो नीचे आएगा तो हो गया 1101, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 000, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो ये तीनों तो कट गया, लास्ट का 1 बचेगा, फिर 101, आप देख सकते हो सारा 0 हो गया। आप देख सकते हो रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0 हो गया, मतलब ये इसमें एरर नहीं है। सेंडर साइड से हमने डिवाइड किया और रिसीवर साइड से भी हमने डिवाइड कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हूँ, बताने की कोशिश किया हूँ। कोई भी डाउट है आप मुझे फिर से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।